दो दुराडे तो पुत नूं प्यार करन वाले उहदे यार दोस्त चाहुण वाले भैण भरावो सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਤਿਉਹਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ हमने 12 बजे सही सॉन्ग रिलीज होया। तुहानू बहुत बहुत मुबारक और तुहाडा सारिआं दा तहि दिलों धन्नवाद, क्योंकि तुसीं उहदा जिहड़ा प्यार है उहदे जाण तों 1.5 साल बाद भी वह घटिया नहीं है। सगों 5 लाख बंदा गाणा रिलीजिंग दे टाइम तों पहलां ऑनलाइन हो के इन्नी बेसबरी दे नाल तुसीं उहदे गाने की उड़ीक की, उहदे बोलां की तुसीं उड़ीक की, मन नूं काफ़ी सकून मिलिया कि जाण वाला तुहाडे नाल इहो जिहा रिश्ता गंढ के गया जो सदीवी हो निबड़ेगा, रहिंदी दुनिया तक, अगलियां जनरेशनां तक तुसीं उहनूं हमेशा अपने सीने नाल ला के रखोगे। ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਵੈਰਾਗ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਚਾੜਿਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹੂੰਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਜਿੰਨੀ ਅਪਣੱਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खड़े ता मेरे च हिम्मत आई। आपां समें दे हाकमां नूं इन्ना कु वक्त तां जरूर पाया भी तुसीं झूठ बोल सकदे हो, परंतु झूठ ते झूठ तुहानूं नहीं बोलण देवांगे। अज दे दिन तों मैं तुहाडे सारयां दी तरफों मेरी बहुत ही सत्कार योग, मान योग हाई कोर्ट के जज साहबाना का मैं धन्यवाद करदा, जिन्हां ने देर तां थोड़ी हुई परंतु साढ़े सारे लोगों के दिल की गल नूं टुंबिया। उन्हां ने असी की कहना चाहते हैं, असी हरेक हफ्ते जिहड़ी गल का जिक्र करते हैं, इस अन्नी बोली सरकार ने साड़ी एक भी गल नहीं सुनी। पूरे 7 महीने बीत जाने बाद मानयोग हाई कोर्ट ने उस गल का नोटिस लिया सरकार को, यह दसन वास्ते कि तुसीं दोबारे 2 बजे तक अदालत फिर लाई और इन्हां नूं तलब किया गया। दसो पिछले 7 महीनों के बीच तुसीं उस कथित वीडियो जिहड़ी एक बदमाश ने ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਲਾਰੈਂਸ, ਉਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰੇ।
ये किवें हो सकता है वो एच डी वीडियो अंदर बह के रिकॉर्ड कर जाए, एक नहीं दो बार कर जाए, फिर नैशनल चैनल पर चला जाए और अज तक 11 मिलियन के करीब वो जी वीडियो यूट्यूब पर चल रही है परंतु नहीं हटाई गई। साढ़े सोंग जड़िया एक एक गाना कलाकार दोरिया कल्पनावान होंगे, जी फिल्म होंगी है वो साडे समाज का दर्पण होंगी है, जो घटनावान होंगे ने उन्होंने ही फिल्माकन करके परदे के उत्ते चितरिया जाता है। वो चीज़ा तो इन खतरनाक हो गई, लेकिन एक गुंडा जो लाइव है जो इन्ना बड़ा नैटवर्क अपना जेलों के बह के चला रहा है वो तो सरकार को कोई खतरा नहीं, जो जेल के बह के धमकियां देंदे है फरौतियां मंगते हैं जिन्हों मर्जी मौत के वारंट जारी कर देंगे है उन्हों तो मेरी सरकार को कोई खतरा नहीं। खतरा कि तो है साढ़े वर्गों तो है, साढ़े वर्गों ने जसूसियां कराते हैं, साढ़े वर्गों पर निगाह रखते हैं, साढ़े सोशल अकाउंटा के उत्ते निगाह रखते हैं वीरों असी कोई बागी हाँ, साढ़े अकाउंट कादे लिए फरोड़ते हैं, साढ़िया रीचा कदों घटाई जाने हो, असी लोगों तक अपनी गल नहीं रख सकते। मैं हमेशा जिनी गल तुहाडे अगे रखदा मैं एक एक शब्द लिए जिम्मेवार हूँ, मैं जिहड़ी गल कहना प्रूफ के आधार पर गल कहना सबूत के आधार पर गल करना, कदे भी मैं सुनी सुनाई गल फोके टी आर पी की खातर व्यू वधाउण की खातर इदा कदे नहीं मैं गल करता, अजकल मैं उन्नी करता हूँ जिनी कि मैं पता जिदा मेरे को सबूत हो, जे मैं पूछा जाए तो उस गल मैं साबित कर सकता हूँ उन्नी गल मैं थोड़े अगे रखता, परंतु तुम देखो कितनी ढीठ वाली गल है, 7 महीनों के बीच एक डग्गा तोड़ के अधूरा नहीं किया गया पूरी इन्वेस्टिगेशन का, और हुण जदों दा मानयोग अदालत ने खिंचे ने हुण भज पई है, हुण वेख रहे ने जिहड़ी मैं तुहाडे अगे गलबात करदा मेरी स्पीच कौन लिख के दिंदा, मैनू मैं कोई तुहाडे कोले भाई किताब खोली हुई है मेरी स्पीच मेरा मरिया होया पुत लिख के दिंदा है, भगवंत माना समा तेरे ते भी यह आना है 2-2.5 साल खड़ जा, ये सदा लाल गलीचे नहीं रहने आ जाएगा ग्राउंड के उत्ते, इन्होंने तेनों बिठाया ये ही ला देंगे थले, कभी सच नूं पछाण लो, मैं कोई तुहाडी सरकार तो कोई किसी राजनीतिक लीडर तो मैं कुछ नहीं लैना, मैं जिहड़ी गल करदा आपदे दुख की गल करदा, तुसीं गैंगस्टरवाद नूं बढ़ावा दे रहे हो, तुसीं जेलां दे विच सैल किराए ते चाढ़ रहे हो, 600-600 मोबाइल फोन तुहाडियां जेलां जो लगातार मिल रहा है, शुक्र है परमात्मा का भी कोर्ट ने उस गल का नोटिस ले लिया, असीं आम सधारण घरां चों आए हुए तरक्की करी सी इसे करके सानूं आसानी नाल मार दिता जांदा है, इसे करके साडी आवाज़ है वह आसानी ना नप्पण का काम सरकार कर रही है, सारा जोर इस गल ते लग्गिआ है मेरी स्पीच कौन लिख के दिंदा है, मेरे वट्सएप मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट फरोले जा रहे हो, मैं किहड़ा कोई खालिस्तान का प्रचार करदा जां मैं किहड़ा कोई पाकिस्तान का भाईवाली करी बैठा, मेरा की फरोल लोगे तुसीं, कोई गल मिल जाए कोई बहाना लभदे फिरदे भी किहड़े ढंग दे नाल इन्हां नूं बदनाम कर दिए, इन्हां दे किसे नाल लिंक स्थापित कर दिए, कर दिओ भाई 1.5 साल हो गया हुण तक क्यों नहीं होए सब, जे वाकई असीं इन्ने माड़े बंदे हैं असीं ग्रुपां नाल गैंगस्टर नाल संबंध रखदे हां, कर दिओ जनतक लोकां कोले फड़ के सानूं फड़ के अंदर दे दिओ जे तुहाडे गैंगस्टर नहीं हुंदे, जिन्नी निगाह साडे फोनां दे उत्ते रखदे हो उन्नी जे गैंगस्टरां दे फोनां ते रखो तां घटनावां रुक जाण, पंजाब दे विच कतल तो छोटी कोई सज़ा ही नहीं रह गई है, हुण तां पुलिस नूं भी सिद्धे रूप दे विच चिंबड़न लग गए, आ बरनाले पुलिस मुलाजम कुट के मारता ना कोई गल ना बात ना दुश्मनी ना लैणा ना देना, आ हुण इंस्पैक्टर प्रभदीप ते 7 गोलियां मारियां, चलो जैकट पाई सी करम चंगे जवाकां ने भाग गया बच गया, हले भी की उड़ीकते हैं समझ नहीं आती भी हले कि होर गैंगस्टर भार नूं वधा के फिर इन कदत पाने की गल कर लेंगे, किसी एक लीडर का बयान तक नहीं आता इस समस्या के उत्ते, जिहड़े असी पटते असी बिलकी जाने असी चीक मारी जाने, सो असी अपना जिहड़ा मिशन है मैं सरकार नूं मैं साडे प्रशासन नूं सारी गल दसदा भी असी तां आपदी लड़ाई रखांगे इवें जिवें जा रही, तुसीं सानूं रख लो तुसीं सानूं मरवा दो थोड़ी मर्जी है, जम्मे ऐ मरना एक दिन है गई है, असी डर के घरे बैठने जो है नहीं, असी अपना इवें जिवें
जो एफर्ट है वो जारी रखांगे ते तुसी आपदा जो कूट प्रचार कर रहे हो दोषियों नूं बचाउण दी जो तुसी हुण तक जिहड़ी सारी कारवाई कीती है सारी दोषियों दे नाल खड़न लई कीती है। मैनूं इसे गल दा दुख है, शायद मैनूं पुत दा दुख भी छोटा लगन लगांदा जदों मैनूं सरकार जलील करदी है, पैर पैर दे उत्ते गैंगस्टरां दी मदद करदी है, हरेक उहनां दी कारवाई नूं छुपाउण दी कोशिश करदी है। नहीं सरकार ने की लैणा सी यार, कतल करन वाले ने कीता, होण वाला हो गया। तुसी कह दो वी आ बंदे फड़ के अंदर उहनां नूं करो कारवाई, उहनां जिहड़ी करनी है तुसी इन्वेस्टिगेशन करके तुसी झूठ क्यों बोली जाओ हाई कोर्ट में लेके जा जाके तुसी ना मान जोग अदालत नूं भी टिच समझ लिया भी सो मोटो एक्शन लिया आपे भुल भलाई हो जाऊगी आपे इहदा जे कोई होर नवां केस जज साहब दे ध्यान दे विच ना आउंदा तां किहने मेरी पुछणी सी, मेरे 7 ते 14 महीने भी हो जाणे सी, किसे ने नहीं पुछणा सी। परंतु असीं जद तक उहते कोई कारवाई नहीं हुंदी, सरकार जिम्मेवारी दे नाल वीडियो किथे बणी, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਸਾਰੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣੂਗੀ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਣੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਾਹਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਰੀਚ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਰੀਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕੇ 4-5 ਲੱਖ ਦੇ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਟਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਸੰਗਤ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।